सैमसंग गैलेक्सी A51। हाँ गाइस, आप लोगों को पता है कि यहाँ पे सैमसंग का A51 जो है भाई इतनी लीक्स में चल रहा है, मतलब भाई, मगर अभी ये जो नई लीक लाई निकल के आई है गाइस, इतना बढ़िया फ़ोन का लुकिंग निकल के आया गाइस। आप खुद देख रहे होगे फोटो, इतनी बढ़िया लुक लग रहा है, मतलब पीछे इतना बढ़िया लुक है और सामने भी इतना बहुत ही बढ़िया, मतलब तो डिज़ाइन वाइज यहाँ पे जो नया लीक निकल के आई है सैमसंग की A51 के बारे में, बहुत बढ़िया निकल के आई। तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं गाइस, सैमसंग का A51 कैसा होने वाला है, तो पूरा वीडियो देखिएगा, जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को लिए सब्सक्राइब करने की। आपका आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो सैमसंग का A51 होने वाला है, ये बहुत बढ़िया स्मार्टफोन होने वाला है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग ने वैसे यहाँ पे जो है A51 जो है ये लाने वाला है, आपको बताऊंगा आगे लास्ट में इसका लॉन्च डेट, देन स्पेसिफिक। अभी स्पेसिफिकेशन के बाद बात करता हूँ, तो सबसे पहले बात करता हूँ इस फोन के डिज़ाइन के मामले में। डिज़ाइन गाइज आप देख सकते हैं इस फोन में हमें ग्लास बॉडी देखने मिलने वाली है, और लुकिंग वाइज मतलब मैं बहुत खुश हुआ कि भाई ग्लास बॉडी यहाँ पे फिर मतलब सैमसंग ने दे ही दी इतनी मांगने के बाद भाई, इतनी हमने एक्सपेक्ट की थी कि A50s में मिले, A50 में मिले, नहीं मगर वही पॉलीकार्बोनेट, मगर इस बार फाइनली A51 में हमें ग्लास बॉडी देखने मिलेगी। तो डिज़ाइन वाइज आपको A51 बहुत ही बढ़िया देखने मिलने वाला है। डिस्प्ले में बात करता हूँ, डिस्प्ले गाइज यहाँ पे मिलने वाले 6.5 या 4 इंच के फुल एच डी प्लस में मिलेगा, सुपर एमोलेड पैनल होगा। एक गुड न्यूज़ सुन लिए, इसमें हमें पंच होल मिलने वाले, पंच होल आप बोले वाले तो आजकल फोन मिलती है, मगर गाइज मेन सेंटर में आपको पंच होल देखने मिलेगी, जो हमें सैमसंग के एस सीरीज़ में, जो S10 की सीरीज़ में देखने मिला था, नोट 10 सीरीज में जो देखने मिला, भाई मैं तो बहुत खुश हो गया भाई, मैंने बोला यार ऐसा सच में होता है तो बहुत ही बड़ा होने वाले। तो आई थिंक यार डिस्प्ले इस फोन का बहुत ही बड़ा होने वाला आपको दिखने में, एंड व्यूइंग एंगल्स एंड ऑल, सुपर एमोलेड पैनल आप लोगों को पता ही सैमसंग का बहुत अच्छा होता है, और इससे बेटर होगा A50s। तो आपको डिस्प्ले लेवल जो है वो सैमसंग के बढ़ते जा रहे हैं, वो बहुत ही बढ़िया होते जा रहे हैं, तो डिस्प्ले में नो आप बोल सकते कोई वो बात नहीं, बहुत बढ़िया डिस्प्ले इस फोन में हमें देखने मिलने वाला है। बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में, इसमें हमें एक्जीनोस का 9630 का चिपसेट देखने मिलेगा, जो एक बहुत पावरफुल चिपसेट है जो एक्जीनोस की तरफ से आता है, तो चिपसेट भी आप बोल सकते हैं इसमें हमें बहुत बहुत अच्छा देखने मिलने वाला है, तो परफॉर्मेंस भी एक इस फोन में पावरफुल होने वाली है। बात कर लेते हैं वहीं पे कैमरास के बारे में, कैमराज इसमें हमें मिलने वाले हैं 4 कैमरा, क्वाड कैमराज देखने मिलेंगे। मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का होगा गाइज, हाँ 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा होगा। देन हमें दो कैमरा जो है अल्ट्रा वाइड एंड देन टेलीस्कोप लेंस जो होंगे वो 12 मेगापिक्सल के होंगे। देन आपको एक 8 मेगापिक्सल या तो 5.58 या 5 मेगापिक्सल का आपको टेप सेंसर मिलेगा। तो आई थिंक 4 कैमराज, तो आई थिंक बहुत ही बढ़िया बात यहाँ पे सैमसंग ने की हुई है। सैमसंग A51 जो है कैमराज के मामले में बहुत बहुत अच्छा होने वाला है, तो क्वाड कैमराज बहुत ही बढ़िया होने वाले हैं। सेल्फी कैमरा में बात करता हूँ, सेल्फी मैंने जैसे बताया था सेंटर में पंच होल मिलने वाली छोटी सी, तो उसमें हमें मिल सकती है 32 मेगापिक्सल की सेल्फी, तो हो सकता है तो अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया होने वाला है, क्योंकि 32 मेगापिक्सल मिल जाती है तो आई थिंक बहुत ही अच्छा होगा 32 मेगापिक्सल की सेल्फी, तो बहुत ही बढ़िया बात होने वाली है। बात कर लेते वहीं पे गई इस फ़ोन की, यहाँ पे बैटरी के बारे में गई, इस फोन में क्या बैटरी मिलेगी तो मैं आपको बता दूँ, उसमें बैटरी 4500 mAh की बैटरी होगी, टाइप सी भी होगा, और इसमें हमें 25 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग भी देखने मिलने वाली है। आई थिंक ये भी एक बहुत बहुत अच्छी बात मुझे यहाँ पे बसने लगी कि 4500 mAh की बैटरी भी दे रहे हो, टाइप सी भी दे रहे हो, 25 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग भी दे रहे हो, तो यहाँ पे सैमसंग ना ओवरऑल एक काम बहुत ही यहाँ पे अच्छा कर रहा है। UI की और बात करता हूँ, जब तक शायद Android 10 आ जाए, वन यू आई टू आ जाए तो उसके साथ ये रन करने वाला है। एंड ये है पूरा सैमसंग का A51। एंड लास्ट एंड ऑल फाइनली मैं बात कर लूँ दो चीज़ के बारे में, लास्ट मतलब दो चीज़ बार बात करूँगा देन आगे बात कर खत्म, तो दो चीज़ के बारे में बात करता हूँ फाइनली, लॉन्च डेट एंड प्राइस। लॉन्च डेट की अगर बात करता हूँ तो ये फ़ोन जो है ये फरवरी या तो मार्च के महीने में मिलेगा अगले साल, हाँ अगले साल मिलेगा फरवरी या तो मार्च के मंथ में, जैसे मैंने आपको बताया, तो अभी आप इसका इंतज़ार आपको थोड़ा करना पड़ेगा, बढ़िया फ़ोन है मगर इंतज़ार करना पड़ेगा। एंड बात करूँ लास्ट फाइनली प्राइस के बारे में, तो प्राइस इस फ़ोन का जो है ना गाइस 20,000 या तो 25,000 रुपये के बीच में होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं ऑन स्पेक्स ऑन पेपर जो स्पेसिफिकेशन आई है ना वो इतनी हैवी आई हैं और बहुत महंगी वाली आई हैं, तो प्राइस सैमसंग कम रखने नहीं वाला, तो 20-25,000 रुपये के बीच में आप अपना पैसा सेव कर लो, आप लोगों को ये फ़ोन लेना है तो, वरना तो EMI में भी आएगा, मगर मैं बता लूँ कि 20-25,000 रुपये में आपको फ़ोन मिलने वाला है। वीडियो आप लोगों को पसंद आई गई तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अभी तक आपने नहीं किया। मैंने बहुत मुश्किल से 3 वीडियो और 4 अभी बहुत वीडियो मतलब
बताइएगा जरूर कमेंट करके वीडियो आप लोग कैसी लगी, क्योंकि बहुत ही दिनों बाद वीडियो बनाई और बहुत अच्छा लगा। तो बताइएगा जरूर कमेंट करके कैसा लगा, लाइक करना जरूर यार, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना नहीं किया। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।